मैं सुजय कुमार और आपके अपने चैनल सुजय फेंटसी में आपका स्वागत है दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं आज का दिन का पहला मुकाबला जो कि तमिलनाडु और बांग्लादेश इलेवन वनडे के बीच में ये मुकाबला खेला जाना है इंपॉर्टेंट मुकाबला है पूरे जो दोनों टीमों के हर प्लेयर का जो इसमें प्लेयर का स्टैट्स है वो सारा कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे उसके बाद फिर आकर के डिवीजन पे टीम वगैरह क्रिएट करेंगे ठीक है उसके बाद ये है पाकिस्तान डोमेस्टिक स्टेस्ट यानी कि साउदर्न पंजाब और बलूचिस्तान के बीच में जो मैच खेला जाना है इसके ऊपर भी कुछ देर में वीडियो आपको मिल जाएगा मेरे इसी चैनल पर उसके बाद सीनियर वोमेन्स इंटर जोनल टी ट्रॉफी इसका भी वीडियो मिल जाएगा आपको मेरे इसी चैनल पर कुछ ही देर में ठीक है दोस्तों तो एक एक बार डिस्कस करेंगे और ये हो जाएगा चौथा वीडियो हमारा तो बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं कल के लिए आप निश्चिंत रहिए सारा कुछ हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे फर्स्टली अभी के लिए तो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं तमिलनाडु और बांग्लादेश इलेवन के जो प्लेयर के स्टैट्स हैं उनके बारे में पहले हम लोग स्टैट डिस्कस करेंगे उसका फिर आकर के ड्यूनियन पे टीम वगैरह क्रिएट करेंगे ठीक है तो चलो आ जाते हैं पहले स्टैट चेक करते हैं और फिर समझते हैं कि कौन कौन से प्लेयर का क्या क्या रिकॉर्ड रहने वाला है तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये सारे तमिलनाडु के प्लेयर हैं इनमें से कौन कौन से प्लेयर खेलने वाले हैं कौन कौन से प्लेयर नहीं खेलेगा या फिर क्या क्या इनका स्टैट्स रहने वाला है वो सारा कुछ हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं पूरे वीडियो को आप ध्यान से देखना एक एक चीज बारीक से समझना आई होप मैं जो आपको बताऊंगा वो आपके बहुत काम की चीज़ रहेगा और आप इस इससे समझ कर अच्छे ढंग से टीम बनाओगे और आप अच्छे ढंग से विन भी कर जाओगे ठीक है दोस्तों तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है कि चलो अब हम लोग इनके स्टैट चेक करते हैं जो इनका रिसेंटली मुकाबला रहा है वो हम लोग डिस्कस करेंगे ठीक है हालांकि ये पहले देख लेते हैं ना कि ये मैचेज जो है वो वनडे यानी पचास ओवर का ये मैच है तो ये आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात रहने वाला है कि कौन कौन से प्लेयर जो आपके वनडे के लिए क्या क्या परफॉर्मेंस करने वाले हैं वो सारा कुछ हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते चलेंगे हरी निशांत हैं इनके स्क्वाड में प्लेयर हैं आप इनका देख लो तेईस छः चार पैंतीस उन्नीस ग्यारह एक विकेट जो कि इनके रिसेंटली परफॉर्मेंस uh, जो रहा है वो मैंने यहाँ पर लिख रखा है आप देख सकते हो कुछ खास मुझे रिकॉर्डिंग का नहीं लगा है आप इनको आराम से ग्राइंडिंग में फोकस कर सकते हो उसका देना नारायण जगाधीन विकेट कीपिंग सेक्शन से आपको दिखेगा इकतालीस रन अड़तालीस रन तीस रन सत्ताईस ग्यारह एक सौ एक चौदह बीस चौंसठ इक्तीस सोलह ग्यारह ठीक है इनका अगर रिकॉर्ड देखोगे ना तो सिर्फ एक सौ एक रन का पारी है उसका यहाँ पे चौंसठ रन का है और बाकी सबका सिंगल डिजिट में ही स्कोर है और स्टार्टिंग के मैचे में अच्छा खासा खेल रहा था बट यहाँ कुछ मैचेस है यहाँ पर प्रदर्शन नहीं कर पा रहा है ठीक है हालांकि आगे भी हम लोग देखेंगे कि क्या क्या इनका परफॉर्मेंस रहा है उस बेसिस पर ट्राई करेंगे अब यहाँ से साय सुदर्शन का देखो कुछ खास नहीं है आराम से ग्राउंडिंग में फोकस करो विजय शंकर कैप्टन है इस टीम का कभी भी परफॉर्मेंस है वो करता हुआ दिख सकता सॉरी कैप्टन नहीं है आपको खेलेगा या नहीं खेलेगा ये थोड़ा कहना बहुत थोड़ा मुश्किल है तो ये थोड़ा देख लेना संजय यादव अकेले अच्छा खासा परफॉर्मेंस करता हुआ करता हुआ दिख सकता है लेकिन एक आध दो ही डालेगा ज़्यादा आपको बैटिंग करता हुआ नहीं दिखने वाला है ठीक है शाहरुख खान के बारे में अगर देखोगे तो भाई सब इनका बहुत तगड़ा रहा है साइड से पचपन रन है अट्ठारह रन है छियासठ रन है बत्तीस रन है सड़सठ रन है इक्यावन रन है और ओके ओके परफॉर्मेंस है अच्छा खासा आपको परफॉर्मेंस करता हुआ दिख सकता है देख लेना अपनी टीम में जरूर ट्राई करके चल ले सकते हो एम मोहम्मद के बारे में अगर बात करें दोस्तों तो एक विकेट सत्रह रन जीरो विकेट एक विकेट एक विकेट तीन विकेट तीन विकेट आपको हर मैच में बंदा विकेट निकालता हुआ वा, दिखने वाला है और बिल्कुल अपने टीम में लेकर के चलो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा सूटेबल रहेगा और कभी भी परफॉर्मेंस वो करता हुआ दिख सकता है तो अपने टीम में जरूर ट्राई करना लेकिन ग्रैंडली के लिए मैं इस मॉली के लिए ज़्यादा रिकमेंडेशन नहीं दूंगा रवि श्रीनिवास साई किशोर वैसे मैं भी चलूँगा एडिवल पर तो वहाँ आपको समझाने का प्रयास ढंग से करूँगा कि कौन कौन से प्लेयर को आप ट्राई करना है या नहीं करना है वैसे मैं आपको यहाँ पर स्टार्ट दिखा दे रहा हूँ ताकि आप ग्रैंडली के लिए अच्छे खासे प्लेयर को रोटेट करो तो आप अच्छे ढंग से विन कर सकते हो ठीक है यहाँ देखो छः रन तीन विकेट चार ओवर जीरो विकेट पांच रन जीरो विकेट दस ओवर उन्तीस रन एक विकेट दस ओवर तीन रन दो विकेट एक विकेट तीन विकेट जीरो विकेट और एक विकेट तो बंदा ये बहुत तगड़ा वाला है कभी भी परफॉर्मेंस वो करता हुआ देख सकता है डेथ स्पेशलिस्ट है टीम का इंपॉर्टेंट बॉलर है ट्राई जरूर करना संदीप वैरियर्स ये भी आपके लिए अच्छा खासा पिक बनेगा लेकिन देखो कौन सा खेलेगा बंदा कौन सा नहीं खेलेगा ये कहना बहुत बारा मुश्किल है तमिलनाडु के जितने भी स्क्वाड में प्लेयर है वो सारा कुछ मैं यहाँ पे आपको डिस्कस कर दे रहा हूँ मुर्गु अस्वीन है ओके ओके परफॉर्मेंस है लेकिन हालांकि चार मैचेस कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पा रहा है एक भी विकेट इनको लास्ट के चार मैचे में नहीं मिला है तो मैं तो बोलूँगा आप इनको ग्राइंडिंग में फोकस करो टीन अट्राइजन ओके ओके परफॉर्मेंस है दिनेश कार्तिक ये तो मालूम है टी ट्वेंटी खेलने गया हुआ है जगह कौशिक इनके बारे में अगर मैं बात दोस्तों तो पंद्रह रन तीन विकेट पचपन विकेट एक रन जीरो विकेट पचास रन जीरो विकेट अच्छा खासा है ज्यादातर आपको बैटिंग से पाट देगा बॉलिंग से ज्यादा इनसे उम्मीद मत करना बाबा अपराजित खेलेगा तो अपनी टीम में जरूर ट्राई कर लेना कैप्टन होने चाहिए अपनी टीम के बहुत तगड़ा वाला ये प्लेयर है और बहुत तगड़ा वाला परफॉर्मेंस भी आपको करता हुआ दिखेगा प्रदोष रंजन पॉल कुछ खास रिकॉर्ड नहीं है इनका उसके बाद आते हैं रघुपति सीलम बरासन बहुत सारे इनके स्कॉर्ड प्लेयर है जल्दी जल्दी डिस्कस करेंगे ओके ओके है एवरेज रिकॉर्ड है इनका आप अपने आराम से यहां देख लो चार दो विकेट दो विकेट दो विकेट मतलब अच्छा परफॉर्मेंस करता हुआ दिख सकता है कृष्णा मुक्ति नहीं लगा आराम सेन सिद्धार्थ के बारे तो आप में आपको ज्यादातर बॉलिंग से पॉइंट देने वाला है हालांकि एक आध दो विकेट तो आपको कंफर्म निकालता हुआ दिखेगा तो जरूर ट्राई करके अपनी टीम में चल जा सकते हो सोनू यादव अगर इनको देखोगे ना एक रन एक विकेट सैंतीस रन जीरो विकेट जीरो विकेट एक विकेट ओके ओके परफॉर्मेंस ग्राम से अरुण कार्तिक मुझे कुछ खास नहीं लगा आराम से ग्रैंड लीग में और वाशिंगटन सुंदर ओके ओके परफॉर्मेंस ठीक है तो ये बात हो गई इनके टीम के जो भी इंपॉर्टेंट प्लेयर थे सारे मैंने डिस्कस कर दिया है इंपॉर्टेंट बात अब आपके लिए रहा कि जल्दी से वीडियो को लाइक कर देना अगर वीडियो को लाइक नहीं हो तो और जो भी हमारे चैनल पे अगर अभी तक नए हो तो रोजाना तीन चार वीडियो आते हैं हमारे चैनल पर जो लगे हाथ सब्सक्राइब भी कर लेना ठीक है तो चलो वो हम लोग जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं तमिलनाडु के बारे में डिस्कस मैंने कर दिया दोस्तों अब हम लोग आते हैं बांग्लादेश इलेवन के प्लेयर के बारे में जो इनके स्क्वाड में इतने सारे प्लेयर हैं अब इनमें से कौन खेलेगा कौन नहीं खेलेगा कहना बुरा मुश्किल है स्क्वाड में इतने सारे प्लेयर हैं सारे प्लेयर का हम अनु डिटेल्स स्टैट चेक करेंगे और उसको डिस्कस करेंगे कि क्या क्या परफॉर्मेंस रहा है कमेंट अगर नहीं किया हो इस वीडियो के ठीक नीचे कमेंट में जाओ और कमेंट करके ये बता देना कि वीडियो कैसी लग रही है और आपको नेक्स्ट कौन से मैसेज की टीम चाहिए कमेंट में जरूर बताना मैं आपके कमेंट का जरूर जवाब दूंगा और बस ऐसे ही फॉलो वगैरह करते रहो चलो अब हम लोग आगे बात करते हैं और टेलीग्राम से तो जुड़ना चाहते हो तो इस वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है जल्दी से फटाक से जाकर के ज्वाइन कर लेना अब आते हैं हम लोग आगे अनामुल हक अगर इनका रिकॉर्ड देखोगे ना तो पचास रन एक विकेट चार ओवर सत्तर रन तिहत्तर बावन और एक सौ बारह भाई साहब बहुत तगड़ा वाला और वनडे में यह बंदा बहुत तगड़ा वाला परफॉर्मेंस किया जा कर जाता है ठीक है टेस्ट का भी यहाँ पर मैंने रिकॉर्ड लिख रखा है हालांकि ये टेस्ट का मुकाबला नहीं है मोमिनल हक टेस्ट खेल के आ रहे हैं यहाँ पर इनका रिकॉर्ड देखोगे तो चार रन चार रन जीरो जीरो नौ तेरह अट्ठासी कुछ खास रिकॉर्ड नहीं है ठीक है कुल मिलाकर बात ही मैं बोलूँ कुछ खास इनका रिकॉर्ड नहीं है आराम से आप इनको ग्रैंडिंग में फोकस कर सकते हो आगे बढ़ते हैं हम तो लोग तो देखो सदमान इस्लाम है कुछ खास नहीं है मोहम्मद मिथुन कैप्टन है इस टीम के आपको कभी परफॉर्मेंस करता हुआ दिख सकता है विकेट कीपिंग सेक्शन से आपको दिखेगा एक सौ तीन वन चौवालीस इकतीस हर मैच में आपको ये बंदा परफॉर्मेंस करता हुआ दिखेगा ठीक है टेस्ट में भी अच्छा खासा ही परफॉर्मेंस करता हुआ आपको दिख जाएगा आगे बढ़ेंगे तो सेफ हसन मुझे कुछ खास नहीं लगा आराम से ग्रैंडिंग भी रोटेट करो जाकेट अले भी कुछ खास नहीं है तोविद हृदय जो है इनका भी मुझे कुछ खास रिकॉर्ड नहीं लगा है ठीक है तो ये सारे प्लेयर को आपको ग्रैल्टी में रोटेट करना है सीधा सीधा मैं बता दे रहा हूँ देखो मैं चाहूँ तो सोलह जीरो उन्नीस तेईस आपको इनके रिसेंटली परफॉर्मेंस भी बता सकता हूँ लेकिन वीडियो उसे लंबा हो जाएगा भाई मैं डायरेक्ट बता दे बता रहा हूँ कि आपको किसको ट्राई करना है किसको नहीं ट्राई करना है महमद उल हसन जो है अगर इनका देखो है ना तो बयालीस अठहत्तर और एक सौ मतलब जब भी चलेगा बंदा ना तो बहुत तगड़ा वाला मारेगा रन और कभी भी परफॉर्मेंस अगर करता हुआ दिख सकता है तो अपनी टीम में ट्राई करना जरूरी है अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो बिल्कुल कर सकते हो आगे बढ़ेंगे तो तेईज इस्लाम है यहाँ देखो वनडे में इनका तीन दो जीरो और जीरो यहाँ पे मतलब कंप्लीट दस ओवर का बॉलिंग ये बंदर डालेगा और विकेट भी छटकाएगा ठीक है हालांकि मुझे लग रहा है कि तमिलनाडु की टीम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है तो जितने के चांसेस उनके बहुत ज़्यादा हैं हालाँकि ये बांग्लादेश इलेवन की टीम भी ऐसी नहीं है कि बहुत ज़्यादा वीक है लेकिन हाँ टक्कर देगी बांग्लादेश की टीम लेकिन जीतेगी मेरे हिसाब से तमिलनाडु की टीम बाकी मैच है कुछ भी हो सकता है भाई आगे बढ़ते हैं खालिद अहमद अगर इनका देखोगे तो टेस्ट में भी अच्छा खासा रिकॉर्ड इनका रहा है अभी तक और वनडे में भी अगर देखोगे ना तो सिर्फ चार मैचेज में सिर्फ दो विकेट है इनका तो देख लेंगे टीम इनको किस जगह पे बॉलिंग कराती है कैसे बॉलिंग कराती है कैसे इनका यूज़ करती है वो बहुत ज़्यादा मैटर करेगा बॉलर बहुत झकास वाला है ठीक नईम हसन अगर इनका देखोगे तो हर मैच में विकेट है इनको बिल्कुल भी ड्रॉप मत करना है अपने टीम से अपने टीम में जरूर ट्राई करके चले छः छः विकेट निकाल रखता है भैया और उसके बाद आते हैं मुकेदुल इस्लाम अच्छा खासा बॉलर है ग्रैंडली के लिए रज़र रहमान रजा अब इनको देखोगे तो तीन विकेट और यहाँ पर अगर देखोगे ना तो जीरो एक विकेट आपको हर मैच में परफॉर्मेंस करता हुआ दिखेगा और बाकी इनका स्टार्ट मुझे नहीं मिला है अगर आपको मिलता है तो कमेंट में जरूर बताना या फिर जैसे ही मुझे मिल जाता है मैं टेलीग्राम पर आपको शेयर कर दूँगा तो दोस्तों ये बात हो गई बांग्लादेश इलेवन के अब हम लोग चलते हैं जल्दी से डिवन टीम के ऊपर और वहाँ चलकर डिवन का टीम जल्दी से क्रिएट करते हैं ताकि आपको कोई परेशानी ना हो और ढंग से सारा कुछ आपको टीम वगैरह डिस्कस करके समझा ठीक है अब देखो बात करते हैं कि यहां से किसको किसको ट्राई करना है नारायण जगादीशन बहुत अच्छे खासे आपको परफॉर्मेंस करता हुआ दिखेगा आप इनको ट्राई कर लेना अनामुल हक इनको बिल्कुल भी ड्रॉप नहीं करना है इंद्रजीत अगर खेलेगा तो सोचेंगे इनके बारे में थोड़ा अभी के लिए ये दो प्लेयर को मैं लेकर के चलूँगा बैटिंग सेक्शन पर आते हैं तो यहाँ से देखोगे तो साइंस सुदर्शन आप इनको ट्राई कर सकते हो शाहरुख खान आपके लिए बहुत बेस्ट पिक रहेगा उसके बाद मोहम्मद मिथुन कुछ खास मुझे नहीं लगा हसन जो है को आप प्लेयर लेकर के चलो अभी तक बाकी यहाँ से कोई खास प्लेयर नहीं है कोई भी तीन प्लेयर को आपको लेना था मैंने तीन प्लेयर यहाँ से सिलेक्ट कर लिया है ठीक है आगे बढ़ते हैं ऑलराउंडर सेक्शन पे आते हैं बाबा आप रजीद को आप ट्राई कर लो मोमिन हक मुझे कुछ खास नहीं लगा है इनका स्टैट्स जो कि मैंने आपको दिखाया है रिसेंटली मुकाबला कि इनका क्या क्या रिकॉर्ड रहा है जगह कौशिक ट्राई कर सकते हो बट ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा बाकी यहाँ सेफ़ हसन वगैरह कोई खास मुझे नहीं लगा है चाहते हो तो मोमिन अहक के साथ आप जा सकते हो बॉलिंग स्टेशन पर आते हैं तो पहले हम लोग टीन टाजर के साथ जाएंगे साई किशोर के साथ जाएंगे तेजुल इस्लाम के साथ जाएंगे नईम हसन है आप इनके साथ जाओगे तो ये चार बॉलर में लेकर के चलूंगा और इस हिसाब से मेरी ये अभी के लिए टीम हो गई है बिल्कुल भी हमारी फाइनल टीम नहीं है मैं फाइनल टीम आपको टेलीग्राम पर दूंगा तो टेलीग्राम से जुड़ना आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का जल्दी से जाकर के ज्वाइन कर लेना बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है भाई ठीक है तो और जो कुछ भी होगा कैप्टन एस कैप्टन सारा कुछ मैं डिस्कस कर दूंगा आपको कहाँ टेलीग्राम पर और जो कुछ भी आपका कमेंट समस्या है कमेंट में बताओ इस वीडियो के कमेंट में पक्का उस कमेंट को देखूंगा जवाब दूंगा और उस मैच को फॉलो भी करूंगा जो आप मैचेज बोलोगे कवर करने के लिए ठीक है दोस्तों तो चलो जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए नमेटे और वीडियो के साथ तथा तक लिए धन्यवाद अपना ख्याल आगे दोस्तों जय हिंद